पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा बच्चों, अगर हम लोग डी और एल को 50-50% ले लें तो वो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई हमें मिक्सचर दिया हुआ है डी और एल का, लेकिन इस बार 50-50% नहीं है, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि कौन सा एनेंसियोमर एक्सेस में है और कितना परसेंट एक्सेस में है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डी एल मिक्सचर दिया हुआ है, डी प्लस प्लस एल माइनस मिक्सचर ये हमें दिया हुआ है। हमें ये नहीं पता है कि इसमें डी की परसेंटेज क्या है, एल की परसेंटेज क्या है, हमें नहीं पता है। तो अगर हमें इस सिस्टम का हम लोगों को अल्फा नेट मिल जाए, अल्फा नेट क्या होगा, नेट स्पेसिफिक रोटेशन, नेट स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है बच्चों, नेट स्पेसिफिक रोटेशन अगर हमें मिल जाए, और अगर हमें प्योर डी आइसोमर आइसोमर का हमें स्पेसिफिक रोटेशन मींस अल्फा डी मिल जाए, और तो अगर हमें प्योर डी का भी मिल गया तो हम एल का निकाल सकते हैं। क्या होगा बच्चों, एल आइसोमर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा, अल्फा एल क्या हो जाएगा, अल्फा एल इज द माइनस ऑफ अल्फा डी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई स्पेसिफिक रोटेशन डेक्स्ट्रो और लेवो का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो जो भी डी की वैल्यू होगी उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल आइसोमर का स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा। तो अल्फा नेट अगर आपको दिया गया हो, ये गिवेन हो, और दोनों में से कोई एक गिवन है, डी आइसोमर या एल आइसोमर में से कोई एक गिवन, कोई एक गिवन, अगर ये दो डेटा दिया गया हो आपको, नंबर वन नंबर टू, ये दोनों डेटा दिया गया हो, तो आप बहुत आसानी से इसमें ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट डी है, कितने परसेंट एल है, कितना कौन सा एनेंसियोमर कितने परसेंट एक्सेस में है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए, अगर अल्फा नेट दिया गया है और अल्फा नेट की वैल्यू, अल्फा नेट अगर पॉजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में डी आइसोमर आप ये बता सकते हैं कि भाई इतना तो आप बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के कि डी आइसोमर इज मोर देन एल आइसोमर, यानी डी आइसोमर की क्वांटिटी एल आइसोमर की क्वांटिटी से ज्यादा है, ठीक। अगर अल्फा नेट की वैल्यू नेगेटिव है, नेट ऑप्टिकल रोटेशन अगर इस सॉल्यूशन का नेगेटिव मिल रहा है, तो आप ये ले सकते हैं कि एल आइसोमर लीवो आइसोमर इट इज मोर देन डी आइसोमर, ठीक है बच्चों, यानी एल आइसोमर की वैल्यू डी आइसोमर से ज्यादा है अगर अल्फा नेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक। ओके, तो हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अल्फा नेट इज इक्वल टू एफ डी अल्फा डी प्लस एफ एल अल्फा एल। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है ये, और यहां पर एफ डी क्या है, एफ डी है जो मूल फ्रैक्शन ऑफ डी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मूल फ्रैक्शन ऑफ डी। एफ एल क्या है, यहां पर एफ एल इज द मूल फ्रैक्शन ऑफ, मूल फ्रैक्शन ऑफ एल आइसोमर, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी आइसोमर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एल आइसोमर, एफ डी एंड एफ एल, और अल्फा डी अल्फा एल आपको पता ही है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अल्फा डी और अल्फा एल दोनों को आप ये देखिए अल्फा नेट क्या है, अगर अल्फा नेट की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप L को पूरा का पूरा कन्वर्ट, एफ एल को और अल्फा एल को D के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर अल्फा नेट नेगेटिव है तो आप D को L के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक केस ले रहा हूं, अल्फा नेट पॉजिटिव, सो इफ अल्फा नेट इज पॉजिटिव
तो अगर बच्चों अल्फा नेट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब डी आइसोमर एल आइसोमर से ज्यादा है। तो मैं इस इक्वेशन में दो चेंजेस कर रहा हूं, क्या एफ एल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एफ डी, दिस इज अनदर इक्वेशन। ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है किसी भी मिक्सर में, ठीक। तो इस रिलेशन से मैंने लिख दिया एंड अल्फा एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा डी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दें तो हमें एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा, अल्फा नेट इज इक्वल टू एफ डी अल्फा डी प्लस 1 माइनस एफ डी इंटू माइनस ऑफ अल्फा डी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिल जाएगा अल्फा नेट इज इक्वल टू अल्फा डी 2 एफ डी माइनस 1, सो दिस इज इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में बच्चों 2 एफ डी माइनस 1 ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं एनेंसियोमेरिक एक्सेस, एनेंसियोमेरिक एक्सेस, ठीक है, और ऑप्टिकल प्योरिटी भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब डी आइसोमर इतने टाइम्स क्या है एक्सेस है, इतने फ्रैक्शन में वो एक्सेस है कंपेयर टू द एल। तो आप लिख सकते हैं एनेंसियोमेरिक एक्सेस को हम लोग डबल ई से लिखते हैं, सो डबल ई इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला आपको मिल गया अल्फा नेट बाय अल्फा डी, दिस इज इक्वेशन 5। अल्फा नेट जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन आपको मिल रहा है उस सॉल्यूशन का, और अल्फा डी जो प्योर डी का है, तो इस फॉर्मूले से आप एनेंसियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको एनेंसियोमेरिक ये दोनों वैल्यू दी गई है, आपने एनेंसियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट कर लिया, अब एनेंसियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट करने के बाद आप ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए। जब आप ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो यहां से एफ डी की वैल्यू मिल जाएगी और सिमिलरली आपको एफ एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको निकालना हो 2 एफ डी माइनस 1 और 2 एफ एल माइनस 1 एनेंसियोमेरिक एक्सेस। अब मान लेते हैं कि अल्फा नेट की वैल्यू नेगेटिव है, अगर अल्फा नेट की वैल्यू नेगेटिव है, अल्फा नेट अगर नेगेटिव है तो एल आइसोमर ज्यादा होगा मिक्सर में, एल आइसोमर की क्वांटिटी ज्यादा होगी डी आइसोमर से, एल आइसोमर इज मोर देन डी आइसोमर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो एनेंसियोमेरिक एक्सेस होगा ई जो होगा वो हो जाएगा 2 एफ एल माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एनेंसियोमेरिक एक्सेस, एनेंसियोमेरिक एक्सेस, ठीक है बच्चों। तो और ऐसी सिचुएशन में 2 एफ एल माइनस 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अल्फा नेट बाय अल्फा एल, ठीक है। तो अल्फा एल की जो भी वैल्यू दी गई हो वो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपको मिल गए, इनकी हेल्प से आप सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वेल सी दिस क्वेश्चन, 2-butanol विद ऑब्जर्व रोटेशन, सो ऑब्जर्व रोटेशन इज गिवेन, सो दिस इज द रोटेशन ऑफ द मिक्सचर एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंसियोमर इट इज गिवन दिस, प्लस मींस दिस इज अल्फा डी। सो सी दिस क्वेश्चन, अल्फा नेट इज गिवन, अल्फा नेट इज 9.72 डिग्री एंड अल्फा डी इज गिवन 13.5, दिस टू इंफॉर्मेशन इज गिवन 13.5 डिग्री and it is asked that find the EE enantiomeric excess. So first you have to find out the enantiomeric excess. So alpha net is positive. Alpha net is positive means one thing is clear, that D is more than L.
Now you have to find out the percentage of D and L in the mixture. So first you have to find out EE. So EE is equal to, in this case, D isomer is more than L. So you can write 2FD minus 1. And this is equal to alpha net by alpha D. Alpha D. So this is equal to 9.72 by 13.5. So if you solve this, you will get 0.72. You will get 0.72, right? So enantiomeric excess is 0.72, and in the percentage of enantiomeric excess is equal to 0.72 into 100 is equal to 72%. So one enantiomer is in excess by 72%, right? Means D isomer is in excess by 72%. Now you can calculate the fraction of each component. See, 2FD minus 1, this is equal to 0.72 we have calculated. So FD is equal to 1.72 divided by 2. So 1.72 divided by 2 is equal to 0.86. So this is equal to, you can write 86%. Means fraction of D or percentage of D isomer, this is D isomer. And you know FL is equal to 1 minus FD, so 1 minus 0.86. So this is equal to 4.14, yani 14%. So 14% is L isomer. Now analyze. Now see, in your system, this time you have 86% D isomer, and 14% L isomer. Now see, this 14% L isomer, this will mix with 14% of this D isomer. So, and that will make the racemic mixture. Equimolar mixtures is the racemic. So 14%, if you subtract from here, so you will get 14% total of this is racemic mixture, and rest is D isomer is in excess. So basically one molecule of L isomer that will neutralize the optical rotation of one molecule of D isomer. So what is the percentage of racemic mixture here? See, percentage of each isomer. So we have calculated percentage of each isomer. Now the next part is percentage of the racemic mixture. So the percentage of the racemic mixture, percentage of racemic mixture is equal to whatever the limiting value is there, that percent is the racemic mixture. So 14% L, so definitely 14% of D will make it the 14% racemic mixture. Don't add this, that 14% this and plus 14% this, 28% will form. No, 14% is the total racemic mixture. Right, 14% D and 14% L. Now, how much D isomer is left? So, the D isomer left active. Now, this portion is active basically. So, this is equal to 86 minus 14. So, this is 72%. And you know, this is the enantiomeric excess. 72%, this is the enantiomeric excess. So enantiomeric excess is basically in the mixture of dextro and levo, which component is over and above the racemic mixture, right? Over and above the racemic mixture. So when you mix two different isomers, D and L isomer, in a different proportion, so whatsoever the limiting amount of isomer, whether D or L, that will racemize, and rest part is in excess. So enantiomeric excess is basically the fraction of that part which is over and above the racemic mixture, right? Hopefully all of you are able to understand and calculate this enantiomeric excess.
वेल अब हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी वो कौन सा फीचर है मॉलिक्यूल का जो किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। तो कॉज फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है वो मॉलिक्यूल वो एक्टिव होने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है तो दैट मॉलिक्यूल शुड बी आइदर डिसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब देखो बच्चों, दो टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, डिसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। दोनों में अगर वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। यानी एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल का डिसिमेट्रिक होना या एसिमेट्रिक होना मस्ट है। तो एक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट बी डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सो दिमाग में क्वेश्चन आता भी, ये डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में कुछ फर्क है या दोनों टर्म एक ही है? तो देखा जाए टेक्निकली तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले मैं आप लोगों को डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ये दोनों जो टर्म्स हैं इसमें डिफरेंस बताता हूं, फिर इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं और फीचर्स इसके। सो टर्म एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिमेट्री इसको हम लोग लिखते हैं एस एन से। फिर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको लिखा जाता है बच्चों सी एन से, किसे लिखा जाता है सी एन से। एंड यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं टर्म है सिमेट्रिक, यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, और सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कोई क्राइटेरिया में हमारे लिए नहीं आता है, इससे हम लोग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिस इज परफेक्टली ओके, अगर ये प्रेजेंट है तो ऐसा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करने का मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन प्लेन को रोटेट नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक, पहले हम लोग डिसिमेट्रिक देख लेते हैं। डिसिमेट्रिक अगर कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी, एंड सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, अगेन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक्टिव,
अब देखा जाए एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इसमें भी जो है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में भी जो है ये एब्सेंट होगा और ये भी एब्सेंट होगा, यानी सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी और ऐसे मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चाहे मॉलिक्यूल को आप बोलो डिसिमेट्रिक है, चाहे मॉलिक्यूल को बोलो आप एसिमेट्रिक है, दोनों केसेस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब देखा जाए हाई डिग्री ऑफ डिसिमेट्री इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, मतलब एसिमेट्रिक वर्ड में ज्यादा सिमेट्री नहीं है, एबसेंट है। सी यहां पर प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज हायर डिग्री, दिस इज लोअर डिग्री, दिस इज द डिफरेंस, राइट? सो डिसिमेट्री मींस, एसिमेट्री मींस दिस इज हायर डिग्री ऑफ डिसिमेट्री। ओके, तो इस तरीके से आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों डिसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको मॉलिक्यूल में विजुअलाइज करना और इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो क्या किया जाए भाई, हमें तो ये बताया गया कि भाई एक्टिव मॉलिक्यूल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करो, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो, यानी हमने कंडीशन तो यही लिखी है भाई डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल देखने के लिए आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल आ गया कि भाई अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बहुत लोग डेफिनेशन ही नहीं जानते कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो क्या किया गया बच्चों, चूंकि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिकॉग्नाइज करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में मॉलिक्यूल में थोड़ी सी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ये देखा गया कि क्या और कोई सिमेट्री को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं मॉलिक्यूल में आसानी से, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हो जिस सिमेट्री को, तो क्या हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम लोग जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर लें तो भी हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी बता सकते हो, और उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी बता सकते हो। यानी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये बेसिकली इस पर बेस्ड है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ व्हाट दिस सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको देखना ही नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, इसको कभी भी देखने की जरूरत नहीं है आपको मॉलिक्यूल में। ये सिर्फ देखने की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब क्या हो, आपको कभी डिसिमेट्री और एसिमेट्री, बट ये कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में हम लोग डिफरेंस देखें, ठीक। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों मॉलिक्यूल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी मॉलिक्यूल मस्ट lacks the following symmetries, right? First है point of symmetry, सिमेट्री इसको हम लोग लिखते हैं आई से। दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, ठीक है। और मींस ये दोनों लैक करें,
ये दोनों ना हो, या और एन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी अगर आप किसी भी टाइम पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एस एन से। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री ना हो उसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक की डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर इसके बाद इसको रिकॉग्नाइज करके और फिर अपना कॉन्सेप्ट